शिव शिष्यों का कोई ना कोई समागम हम लोग करते आए हैं। हम लोग इस बार जो दोनों महोत्सव के माध्यम से ভারতীয় সভ্যতা, দর্শন, আধ্যাত্মিকতায় ভগবান শিবকে পুরাতত্ত্বকাল থেকে আদিগুরু, জগৎগুরু এবং বিশ্বের গুরুর রূপে পূজিত হয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। সাল 1980 থেকে শিব ভক্ত হরিন্দ্রনন্দ জাতি, লিঙ্গ, বর্ণ সকল সম্প্রদায়কে ভগবান শিবকে নিজের গুরু রূপে পুজো করার আহ্বান জানিয়েছেন। সম্পূর্ণ বিশ্বে মানব জাতিকে শিব শিষ্য হওয়ার বার্তা দেওয়াই তার একমাত্র লক্ষ্য। আর সেই উপলক্ষেই আগামী 4 আর 5 ফেব্রুয়ারি কলকাতা এবং বেলুড় দুই জায়গায় শিবগুরু মহোৎসব উদযাপন করা হবে। তারই প্রাক সাংবাদিক সম্মেলন হয়ে গেল কলকাতা প্রেস ক্লাবে। শিব শিষ্য হরিন্দ্রনন্দ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 2 দিনব্যাপী শিবচর্চার আয়োজন করতে চলেছে উদ্যোক্তারা। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা এবং বেলুড় মহোৎসব সংযুক্ত সমিতির অমরকান্ত ঝা, জিতেন্দ্র শর্মা, দয়ানন্দ দাস, সর্বদয় গুপ্তা, নির্মলা গুপ্তা, নির্মলা দাস, দুর্গাবতী সিং, জ্যোতি সাউ সহ অন্যান্যরা। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। इसका मुख्य कारण था कि हम लोग जो यहाँ 2 महोत्सव करने जा रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, एक कलकत्ता के टेंगरा सीलन मार्ट में और दूसरा बेलूर में चांदमारी वहाँ पर हावड़ा में फुटबॉल मार्ट में। तो ये दोनों कार्यक्रम की सूचना जन जन को पहुँचे, इसी उद्देश्य के साथ हम लोग ये कार्यक्रम आज का कर रहे हैं। को मैसेज देना चाहते हैं, पूरी दुनिया को, मानव को मैसेज देना चाहते हैं कि आइए शिव का शिष्य बनिए, उसका अपना, उसको शिव को अपना गुरु बनाइए। आप तो भक्त हैं ही हैं, लेकिन उसको अपना गुरु बनाइए। मुख्य रूप से ये शिव चर्चा का कार्यक्रम है, इसमें भजन भी समाहित है, थोड़ा भजन होगा, शिव से संबंधित, गुरु से संबंधित भजन होगा। और इस दोनों कार्यक्रम को हमारे जो अतिथि आ रहे हैं श्रीमती बरखा सिन्हा, वो उसको एड्रेस करेंगे। शिव को बाबा के रूप में जानते थे, बाबा के रूप में उनको पूजा किए, लेकिन गुरु के रूप में हम लोग नहीं जानते थे कि वो शिव जो ईश्वर है, परमात्मा है, जो शिव संबोधित किए गए हैं वो गुरु का भी काम कर रहे हैं, यह बात को पता नहीं था। लेकिन इस हमारे कालखंड में ये महामानव साहब श्री हरिंद्रनंद दादा हम लोग के बीच में आए और उन्होंने कहा कि शिव गुरु हैं, शिव को अपना गुरु बनाइए। कल तक तो हम लोग भगवान के पास जाते थे, अपना मन्नतें रखते थे, पूरा होता था चढ़ावा चढ़ाते थे, लेकिन उनसे दोस्ती करने का, उसको अपना बनाने का कला नहीं था हम लोगों के पास, क्योंकि ऐसा लोग ही नहीं आया हमारे आपके बीच में जो इस बात को समझा पाए। लेकिन उन्होंने कहा कि अरे वो परमात्मा आपके पास है, आपके साथ है, आपके भीतर है, वो बाहर में कहीं नहीं है, उनसे दोस्ती कीजिए, उनको अपना बनाइए, उनको उनसे रिश्ता बनाइए। और तब देखिए कि श्रद्धालु नहीं है यहाँ, सब शिव शिष्य है, शिष्य में और भक्त में अंतर होता है। तो यहाँ शिव का शिष्य जितने हैं वो सब आएंगे, करीब करीब मैंने 20 से 25 हज़ार तक वहाँ पर लोग मौजूद होंगे। इसीलिए बांटना पड़ा कि 2 जगह कार्यक्रम होगा, क्योंकि कोलकाता में अभी मैदान बहुत उतना बड़ा तो है नहीं कि हम शिव शिष्य की संख्या करोड़ों में है और अनगिनत है, और उनका उनका मैंने व्यवस्था हम लोग दे नहीं पाएंगे। इसलिए 2 दिन 4 और 5 फरवरी को होने जा रहा है। मेरा नाम महात्मा है, वो सबका गुरु हो, जगत के एक एक व्यक्ति का गुरु हो। इसी संदर्भ में हम लोग 4 फरवरी और 5 फरवरी को एक विराट शिव गुरु महोत्सव कर रहे हैं, और उसमें लोगों को यह सूचना देने के लिए, यह संवाद देने के लिए, जो शिव सचमुच में गुरु हैं और शिव सबका गुरु हो सकता है, इसीलिए हम लोग ये लोग करें। इस कार्यक्रम में हम सबों के आदरणीय स्नेहनीय बरखा दीदी आ रही हैं, जो साहब श्री हरिंद्रानंद, जो इनके उद्घोषक हैं शिव शिष्यता के, साहब श्री हरिंद्रानंद, उनके पुत्र वधू भी हैं और शिव शिष्या भी हैं।